व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ प्रतीक। सो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मी बैंड 3 जो इंडियन वर्जन है, ठीक है, जो इंडिया में अमेजोन के द्वारा सेल किया जा रहा है, मैं उसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो लुक है, फ्रंट लुक है, जो पैकिंग है वो एकदम सेम है जैसा कि इंटरनेशनल वर्जन का था जिसका मैंने अनबॉक्सिंग पहले किया था। ओके, तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि अंदर में क्या मिल रहा है हमें, कुछ डिफरेंट मिलता है या नहीं मिलता है। आई डोंट थिंक कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। तो अब अगर पीछे की तरफ देख लें तो प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, वायरलेस कनेक्टिविटी, नेट क्वांटिटी वगैरह जो लिखा हुआ था सब कुछ लिखा, बट इसमें एक डिफरेंस है कि सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो पुराना वाला था उसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो एक बार, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं आपको, ठीक है। फ्रंट के बाद देखें एंड इसको अनबॉक्स करते हैं। फ्रंट से लुक एकदम सेम है, इसको अनबॉक्स करके देखते हैं हम। जैसे हमने ओपन किया, यहाँ से हम इसको मी बैंड 3 को निकाल लिए, हमें एक स्ट्रैप मिल जाता है, ठीक है, एंड एक लीफलेट मिल जाता है, एंड एक यूएसबी के सेम यूएसबी केबल मिल जाता है जिसके थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों के स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ डिफरेंस लग रहा है। डिफरेंस ये लग रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख लो थोड़ा सा डिफरेंस, जो ये इंडियन वर्जन है थोड़ा शाइनी लग रहा है, एंड जो ये इंटरनेशनल वर्जन है वो थोड़ा सा मैट फिनिश में लग रहा है, लाइक रबर टाइप का जो होता है। हो सकता है ये भी यूज़ करते हुए ऐसा हो जाए, बट थोड़ा सा डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्ट्रैप में, एंड ये मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, बट ये जो है ये थोड़ा मोटा मुझे फील हो रहा है, ठीक है, एंड ये थोड़ा पतला फील हो रहा है। तो ये अपना इंटरनेशनल वर्जन हो गया, एंड ये अपना इंडियन हो गया जो अमेज़ॉन पर बिक रहा है, बट ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, अब मी बैंड 3 निकालते हैं हम, एंड मी बैंड 3 का बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाता है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम मिलता है इस दोनों में। आप पीछे की तरफ आपको वही MI का ब्रांडिंग मिल जाता है, सामने की तरफ सेम आपको मिल जाता है। इसका जो स्टिकर है वो मैं निकाल देता हूँ, एंड ये वैसे अभी आई थिंक बैटरी चार्ज नहीं है, ऑफ हो गई है, ठीक है। तो सब कुछ सेम मिल जाता है आपको। अगर कुछ डिफरेंस देखने को मिला मुझे इस दोनों के बीच में तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप भी चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, ये प्रॉपर इंडियन वर्जन है जो आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या Mi.com पे मिल रहा है। ओके, तो आपको आप चाहो तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।